पिछले दिनों भारतीय शेयर बाजार समेत दुनिया भर के बाजारों के लिए एक बुरी खबर आई थी। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था कच्चे तेल और पेट्रोलियम पदार्थ के बदौलत चलती है। इसी कच्चे तेल ने पिछले दिनों डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का मूड माहौल खराब कर दिया था। कारण आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आइए अब खबरों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। असल में ओपेक प्लस देशों ने अचानक ऑयल उत्पादन यानी प्रोडक्शन में कटौती का ऐलान कर दिया था। अब कितना ऑयल प्रोडक्शन में कटौती का ऐलान किया है ये जान लेते हैं। ओपेक प्लस देश एक दिन में 1 मिलियन यानी 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में कटौती करेंगे। अब ओपेक प्लस देशों के साथ रूस भी अपने ऑयल उत्पादन यानी प्रोडक्शन में कटौती का ऐलान कर दिया है। अब रूस ने कितने ऑयल प्रोडक्शन में कटौती का ऐलान किया है ये जान लेते हैं। रूस एक दिन में 5 लाख बैरल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में कटौती करेगा। यानी ओपेक प्लस देशों और रूस के ऐलान के बाद दुनिया भर में क्रूड ऑयल की डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस हो सकती है। इस ऐलान से कुल मिलाकर 15 से 20 लाख बैरल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में कटौती हो जाएगी। अब इस कदम से क्या होगा ये जान लेते हैं। क्रूड ऑयल की कीमत जो लंबे अरसे से $80 प्रति बैरल के नीचे कारोबार कर रहा था वो फिर से $100 प्रति बैरल के लेवल को छू सकता है। दुनिया भर में पहले से ही महंगाई आसमान को छू रही है। क्रूड ऑयल के महंगा होने से महंगाई बेकाबू हो सकती है। अगर महंगाई काबू में नहीं आएगी तो दुनिया भर के रिजर्व बैंक ब्याज दरों में इजाफा करने लगेंगे। 15 से 20 लाख बैरल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में कटौती के ऐलान से भारत पर क्या असर पड़ेगा ये जान लेते हैं। ऑयल प्रोडक्शन में 15 से 20 लाख बैरल की कटौती के ऐलान से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। भारत पर भी इसका नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। यहाँ ऑयल प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो सकता है। बता दें भारत अपनी ज़रूरत का 85% हिस्सा विदेशों से मंगाता है यानी इम्पोर्ट करता है। ऐसे में अगर तेल महंगा होगा तो देश का इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा, वही महंगाई दर भी बढ़ेगी और देश का व्यापार घाटा भी बढ़ने लगेगा। अब जब महंगाई बढ़ने लगेगी तो देश का केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी करने लगेगा। आप जाते जाते कौन कौन से देश हैं जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में कटौती करेंगे ये जान लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इराक, ओमान और अल्जीरिया समेत अन्य ओपेक प्लस सदस्य देश क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में कटौती करेंगे। UAE अपने प्रोडक्शन में 1,44,000 BPD की कटौती करेगा। कुवैत ने 1,28,000 BPD की कटौती की घोषणा की है। इराक ने 2,11,000 BPD, ओमान 40,000 BPD, अल्जीरिया 48,000 BPD और रूस 5,00,000 BPD प्रोडक्शन में कटौती करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।